Hello friends, welcome to my channel. Thanks for subscribe my channel. और आप सब इतना प्यार दे रहे हो, अच्छा लग रहा है. तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि बोट नेक कैसे बनाते हैं. एक्चुअली मैंने ये कर दिया, बाद में फिर याद आया कि चलो आपके लिए वीडियो बनाते हैं. पर मैं आपको दिखाती हूँ कि उसको कट कैसे करते हैं. और स्टिच करना तो आप जानते ही हैं, मैं सिर्फ कटिंग का वीडियो बता रही हूँ आपको. ये लाइनिंग है, मैंने जो मेरा मेजरमेंट है मेरे पास उसके हिसाब से कुर्ती का ये ड्राफ्टिंग कर दिया है. तो चलिए मैं दिखाती हूँ कैसे कटिंग करते हैं बोट नेक को. तो सबसे पहले जो हमारा शोल्डर है उसका हाफ मैंने लिया है, ये यहाँ से यहाँ शोल्डर का हाफ, हाफ ऑफ शोल्डर, यहाँ से आधा इंच नीचे स्लोप दिया है शोल्डर स्लांट. और यहाँ से यहाँ ढाई इंच, 2.5 इंच, 2.5 इंच है. और ये आपका हाफ ऑफ शोल्डर. तो बोट नेक में जो हमारा डेप्थ होता है वो बहुत ही कम होता है, 3 या 4 इंच होता है. तो मैंने ये 4 इंच लिया है. और ये जो हमने 2.5 इंच मेजर किया है, ये और ये पॉइंट, ये मैंने एक्स्ट्रा आधा इंच छोड़ा है, तो ये मत काउंट कीजिए. ये वाला जो लाइन है ये मैंने सीम अलाउंस के लिए छोड़ा है आधा इंच. तो ये जो हमारा है ये लाइन, उसका हाफ कीजिए. तो ये जो है 2.5 इंच, और यहाँ से ये है जो आपका स्लोप दिया है शोल्डर का, वो जो लाइन है उसका आधा. तो मेरा ये लाइन है 4.5 इंचेस, और उसका आधा हो गया 2.25 इंच, मतलब 2.25 इंच हो गया. तो मिडल पॉइंट हम मार्क करेंगे, ये मिडल पॉइंट. और ये लाइन से यहाँ तक हम 4 इंच लेंगे, तो ये 4 इंच हो गया. फिर ये मिडल पॉइंट और ये 4 इंच जो हमने बॉक्स बनाया है उसको हमको कनेक्ट करना है. तो अब उसको कनेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम डीप कर्व नहीं करेंगे जैसे हम राउंड नेक में करते हैं, कि ऐसे ऐसे नहीं करेंगे. थोड़ा सा ऊपर से उसको जैसे क्रॉस लाइन बोलते हैं, ये देखिए ये क्रॉस लाइन है, तो हल्का सा कर्व देना है. तो ये जो कर्व बनेगा वो हो गया हमारा शेप गले का. तो ये फ्रंट के लिए है, बैक के लिए भी सेम आएगा. सिर्फ हमको ये है कि ये जो हमने 4 इंच किया है, ये 4 इंच है, बैक साइड पे 3 इंच आएगा. अब 4 इंच ही लीजिए आगे के नेक में, डीपनेस जो उसका होता है उससे ज़्यादा मत लीजिए, नहीं तो उसका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा. तो ये हो गया, और पीछे का 3 इंच, बाकी ये सब सेम करके 3 इंच, और ये ऐसे इसको कनेक्ट कर दीजिए. ये 3 इंच, और इसको ऐसे कनेक्ट कर दीजिए. तो ये हमारा हो गया, ये बैक का और ये
फ्रंट का। अब जब इसको कटिंग करेंगे तो आधा इंच सीम अलाउंस छोड़ के कटिंग करेंगे। ये जो है लाइन पे हमको कट नहीं करना है, ये हमारा जब रेडी होगा वो मेजरमेंट है। तो जब आप कट करेंगे तो आधा इंच छोड़ के कट कीजिए, और जब आप स्टिच करेंगे तो वैसे ही स्टिच करना है जैसे आप नॉर्मल कुर्ती में नेक लाइन में जो पाइपिंग या जो भी आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे करें। तो ये हो गया हमारा बोट नेक। तो कोई लोग जो होते हैं वो ऐसे कटिंग करते हैं कि यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ से मतलब कि 3 इंच पे या 3.5 इंच पे नेक का विड्थ रख के फिर उसको ऐसे कट करते हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो शोल्डर है वो डाउन होता है, मतलब कि हम बोलते हैं कि कंधे गिर जाते हैं। तो ये आप ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छे से आपके गले के ऊपर फिट आएगा। तो ये जब स्टिच करके रेडी हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे लगता है, मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। एक्चुअली ये लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग है और उसका अभी मुझे जो मेन फैब्रिक है वो भी कट करना है। और अगर आपको स्लीव लगानी है तो इसमें आप स्लीव भी लगा सकते हैं और स्लीवलेस भी रख सकते हैं। मैं स्लीवलेस रखने वाली हूँ। और स्लीव लगानी है तो आप नॉर्मल ही हम जैसे स्लीव लगाते हैं कुर्ती में वैसे ही लगाइए, वो सब सेम आएगा। सिर्फ ये जो गले का है वो ही हमको ध्यान रखना है, इसका आधा करना है और ये 2.5 इंच ही लेना है, इससे ज़्यादा मत लीजिए। ये 2.5 इंच है तो ये एकदम परफेक्ट आएगा। अगर आपका शोल्डर 7 इंच से ज़्यादा है, मतलब 7.5 है तो ठीक है, 8 या 9 इंच है तो आप इसको 2.5 या 3 तक बढ़ा सकते हैं नेक डिप को, विड्थ को सॉरी, पर 3 से ज़्यादा मत बढ़ाइए अगर आपका शोल्डर 7 इंच से ज़्यादा है तो। मत अगर आपका शोल्डर 7 इंच से ज़्यादा है तो ही आप विड्थ बढ़ाएंगे। 7 इंच या 7 इंच से कम है तो आप विड्थ 2.5 इंच ही रखेंगे। अगर आपका शोल्डर 7.5 है तो भी आप नहीं बढ़ाएंगे, अगर 8 है 8.5 है 9 या ऐसे ज़्यादा है तो ही आप उसको बढ़ाइए। और यही सेम बोट नेक आप ब्लाउज़ में भी कर सकते हैं सेम तरीके से। और ब्लाउज़ में अगर आप पीछे बैक नेक दे डीप नेक दे रहे हैं बैक साइड का, तो आप ध्यान रखिए कि जो आगे का जो नेक का डीपनेस है वो थोड़ा आप कम कर दीजिए। जैसे मैंने 4 लिया है तो आप 3.5 ले लीजिए, बाकी सब सेम आएगा। ब्लाउज़ में भी आप इसी तरह से कट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप सब जानते हो कि उसको स्टिच कैसे करना है, फेसिंग लगाइए पाइपिंग लगाइए, आपको जो भी पसंद है वैसे आप कर सकते हो। तो ये है बोट नेक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें, और आप सब मेरी चैनल को जो जिसने सब्सक्राइब किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही लाइक करते रहिए तो मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। आप सब की कमेंट्स देख के भी मुझे अच्छा लगता है कि आप ट्राई करते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विल सी यू अगेन। और मैं आगे मेंस का कुर्ता, मुझे थोड़ा कमेंट्स आई है कि मेंस के कुर्ते को भी कैसे बनाते हैं, तो मैं उसके वीडियो पे भी काम कर रही हूँ। और आगे भी मेरा वीडियो 2-3 आने वाले हैं, तो आप देखते रहिए मेरी चैनल को।
लाइक करते रहिए मेरे वीडियो को, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.